नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी कलाजकी में। मैं हूं जन्मेजय और सुनाने जा रहा हूं विकास भाते की लिखी कहानी सायरा। सुबह की अलसाई सी हवा में जॉगिंग करता हुआ अनिरुद्ध ठिटक कर खड़ा हो गया और एक तक उस सफेद सलवार कमीज में बैठी लड़की को देखता रह गया। अनिरुद्ध खुद भी हैरान था कि उसने कभी भी इस तरह रुक कर किसी लड़की की ओर नहीं देखा था। कलेजा मुंह को आने लगा और दिल जोर से आवाजें देने लगा। फिर खुद ही समझाते हुए अनिरुद्ध खुद ही अपने सर पर थप्पी मारकर आगे बढ़ गया। पर आज जो हुआ वो अलग था, जैसे कोई डोर सी थी उसके और उस लड़की के बीच। कॉलेज, क्लास, कैंटीन, घर, कहीं भी मन नहीं लग रहा था आज अनी का। प्यार से उसके घर वाले उसे अनी बुलाते थे। अनी एक पारंपरिक हिंदू परिवार में जन्मा शांत स्वभाव का लड़का था। पढ़ाई में औसत पर खेलकूद में अव्वल, कॉलेज की हॉकी टीम में गोलकीपर। डैड हर मैच देखने जाते थे अनी का। उन्होंने हर काम में अनी का सहयोग दिया था। लोग भी कहते थे कि अनी और उसके डैड बाप बेटे से कम दोस्त ज्यादा लगते हैं। अनी की माँ को गुजरे हुए 8 साल हो चुके थे। बहुत याद करता था माँ को। जब भी उदास होता था तो माँ उसका सर गोद में रखकर प्यार से थपकी देती थी और अनी की सारी परेशानियां माँ की गोद के सहारे अनी के दिमाग से उतर जाया करती थी। पिता बहुत प्रयास करते थे कि अनी को माँ की कमी महसूस ना हो, पर पिता के लिए माँ बन पाना हमेशा से ही असंभव रहा। अनी सुबह से ही सोच रहा था कि डैड को उस लड़की के बारे में बताए, पर शायद जो भय और सम्मान का मिला जुला दरवाजा था उसे वो खटखटा नहीं पाया। अगले दिन फिर सुबह 6 बजे अनी पार्क में था और उसकी जॉगिंग का रास्ता उस लड़की के इर्द गिर्द ही घूमता सा रहा। कई बार उसने नजरें उठाकर अनी की ओर देखा और अनी मन ही मन उसकी हर एक नजर को समेटता चला गया। जॉगिंग खत्म करके अनी पार्क में लगे पुराने बरगद के नीचे हांफता हुआ बैठ गया और उस अनजान लड़की को कनखियों के माध्यम से देखने का प्रयास करने लगा। अचानक लड़की बहुत तेजी से उठी और अनी की ओर बढ़ने लगी। अनी को लगा आज पक्का पिट गया, या तो ये भीड़ इकट्ठा कर लेगी या फिर खुद सैंडल उठाकर शुरू हो जाएगी। घबराहट में अनी ने आंखें बंद कर ली। लड़की पास आई और सकुचाते हुए बोली, सुनिए, आप अनिरुद्ध शर्मा हो ना? मॉडल स्कूल 2008 बैच? हाँ, पर आप मुझे कैसे जानती हो? अनी कुछ संभलते हुए बोला, अरे मुझे पहचाना नहीं, मैं सायरा, सायरा नूरबानो, तुम्हारे साथ ही पढ़ती थी। तुम फुटबॉल खेलते थे स्कूल में? अब अनी को कुछ याद आने लगा था। हो, पहले तो तुम सूखी सी हुआ करती थी, अभी देखो अच्छी लगने लगी हो। सायरा ने ये सुनकर अनमनासा मुंह बना लिया। अरे मजाक कर रहा हूँ, आई मीन काफी बदल गई हो तुम, पहले छोटे बाल थे तुम्हारे, अब माशाल्लाह कमर के नीचे आ गए हैं। सायरा की नजरें शर्म से झुक गई। अब अनी और सायरा का रोज का मिलना जुलना हो गया। अनी सुबह जॉगिंग करने आता और सायरा पार्क में बैठने, फिर उसके बाद दोनों घंटों बैठकर बातें करते। सुबह 9 बजे तक सोने वाला अनी अब रोज 6 बजे पार्क में पहुंचने लगा था। कुछ अलग घट रहा था अनी और सायरा की जिंदगियों में। सायरा बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब अनी उसे ये बोले कि वो उसे पसंद करता है और वो भी झट से हाँ कह दे। दिन महीनों में तब्दील हो गए, पर अनी के मुंह से वो बात नहीं निकली जो सायरा सुनना चाहती थी। एक दिन सायरा एक कबूतरी लेके आई और उसे अनी को देते हुए बोली कि देखो बेचारी कबूतरी अकेली है, ये भी सोचती होगी कि इसका भी जोड़ा पूरा हो जाए। अनी की आंखों में चमक सी दौड़ गई और अगले ही दिन बाजार से एक सफेद प्यारा सा कबूतर ले आया और अपने दिल की बात एक कागज पर लिखकर उस कबूतर के पैर में बांध सायरा को थमा दिया। सायरा जब कबूतर लेकर घर आई तो पैर में बंधी चिट्ठी को देखकर दिल थाम कर बैठ गई। सायरा ने चिट्ठी खोली और पढ़ने लगी। प्यारी सायरा, मैं तो उस दिन से ही तुम्हारा हो गया था जिस दिन मैंने तुम्हें पार्क में देखा था। तुम्हारी हर बात, हर अदा, हर शोखी, हर शरारत मुझे खुशियों से भर देती है। वो तुम ही हो जिसके साथ बैठकर मैं जिंदगी भर बातें कर सकता हूं। याद है जब पहली बार तुमने उन तिरछी निगाहों से मुझे देखा था, मैं तो वहीं समझ गया था कि सायरा नूरबाना तो गई काम से। सायरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, पर हमारी शादी नहीं हो सकती। मैं हिंदू हूं और तुम मुस्लिम। मैं जात पात में विश्वास नहीं करता, ना ही तुमसे प्यार में कोई कमी है मेरे दिल में। और शायद
इन अंधी मान्यताओं से लड़कर हम दोनों एक भी हो जाएं, पर अगर हमारे समाज ने इसे ना स्वीकारा तो, इसे दो धर्मों का सम्मान का मुद्दा बना लिया तो, और अगर ऐसा हुआ तो जो लोग इस पागलपन के शिकार होंगे उनके दोषी हम दोनों होंगे। सायरा, हम दोनों से ज्यादा खुशकिस्मत ये कबूतर हैं, क्योंकि ये धर्म संप्रदाय जात पात की रस्सियों से नहीं बंधे। इनको अपनी मौलवियों और गुरुओं की ना तो सुननी पड़ती है और ना ही इन्हें जवाब देना होता है। भगवान से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में हम जानवर बनकर पैदा हों और हमारे एक होने में कोई धर्म बाधा ना बन सके। तुम्हारा अनी। सायरा ये चिट्ठी पढ़कर अपने बरामदे में लगी कबूतर की दड़बे को देखकर मुस्कुरा उठी।